बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम वीक 10 पढ़ रहे थे और वीक 10 में जो है हमने पहला जो टॉपिक था दैट इज़ लिक्विडिटी रेशोज, ये हमने कवर किया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, ये हम आज कवर करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज रेशो का मतलब क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, ये सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई एम जस्ट कमिंग टू द लेक्चर। फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, what is mean by financial leverage ratio? Number one, it is a balance sheet ratio. Balance sheet ratio means that the nominator and denominator both are taken from the balance sheets. The nominator and denominator both are the items of the balance sheet and both are taken from the balance sheet. That is why it is called a balance sheet ratio. All the ratios included in the financial leverage are leverage ratio. All the leverage ratios are the balance sheet ratios. The leverage ratios shows the extent to which a firm is financed by debt or how much a firm is using debt financing. So it is basically shows the proportion of the funds in the capital structure, the proportion of the funds that is financed by debt in the capital structure. So the first ratio in the financial leverage ratio is debt to equity ratio. Debt to equity ratio shows the proportion of debt as compared to equity in the firm capital structure. Firm का जो capital structure है उसमें total debt कितना है as compared to the shareholder equity, इसको अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आप debt to equity ratio use करेंगे, जहाँ पर total debt जो है वो बैलेंस शीट से आता है और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भी बैलेंस शीट से आती है। सो दैट इज़ व्हाई इसको हम बैलेंस शीट रेशो कहते हैं, जहाँ पे इन्होंने कुछ इस्टीमेशन की है कि 1030 जो है टोटल डेट है बास्केट वंडर की और शेयर होल्डर इक्विटी 1139 डॉलर है और टोटल जो है इसमें 0.90 जो है रेशो है। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर इक्विटी ज़्यादा है टोटल डेट से, डेट फाइनेंसिंग एज कम्पेयर टू द शेयर होल्डर इक्विटी कम है, जो कि यहाँ से भी पता चलता है 1030 एंड 1139। तो डेट फाइनेंसिंग इज लेसर एज कम्पेयर टू द इक्विटी फाइनेंसिंग इन द बास्केट वंडर्स इन 2003। ठीक है, वो कम है, ये हमें पता चलता है। अगर ये वन से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि टोटल डेट इज या डेट फाइनेंसिंग इज ग्रेटर देन द शेयर होल्डर इक्विटी आर इक्विटी फाइनेंसिंग। अगर एग्जैक्टली वन हो तो इसका मतलब है कि 50-50% है, जितना डेट फाइनेंसिंग है उतना ही इक्विटी फाइनेंसिंग है या शेयर होल्डर इक्विटी है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है 2001 में और इंडस्ट्री एवरेज 2001 में ज़्यादा फ़र्क है, बाकी जो है 2002 में इंडस्ट्री एवरेजेस में यानी इंडस्ट्री की जो डेट टू इक्विटी रेशो है, इंडस्ट्री में जो मेंटेन है, इंडस्ट्री में जो
कस्टम्स है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेट टू इक्विटी रेशियो वो और बास्केट वंडर्स की तकरीबन सेम है 2002 और 2003 में, लेकिन 2001 में डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जो है तकरीबन एवरेज है, दोनों में सेम आ रहा है तकरीबन। सो बी डब्ल्यू हैज एवरेज डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू इंडस्ट्री एवरेज, ठीक है। सो इंडस्ट्री के शाना बशाना जो है एक कंपनी को जाना चाहिए, बिकॉज इन इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द फर्म यूजिंग द सेम कस्टम एंड यूजिंग द सेम प्रोसीजर्स फॉर डेट फाइनेंसिंग, स्पेशली यूजिंग द सेम कैपिटल स्ट्रक्चर। उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर की निशानदही करता है कि किस तरह जो है इंडस्ट्री में आमतौर पर रिवाज है, किस तरह लोग जो है यूटिलाइज करते हैं और कितने परसेंट यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है सेकंड रेशो है ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, दैट इज डेट टू टोटल एसेट रेशो। इसका मतलब ये है कि हाउ मच इन परसेंटेज, हाउ मच टोटल एसेट्स इज फाइनेंस बाय टोटल डेट, मतलब टोटल एसेट्स में से डेट फाइनेंसिंग कितनी है, ठीक है। सो शोज द परसेंटेज ऑफ द फर्म एसेट्स दैट आर सपोर्टेड बाय डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग कितनी है फर्म में, ठीक है, या एसेट्स जो है उसमें कितने एसेट जो है वो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू जो है खरीदे गए हैं, ठीक है, तो ये मालूम करना है। सो फॉर दिस पर्पस अगेन डेट फाइनेंसिंग इज 1030, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जब हम टोटल डेट मालूम करते हैं तो करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हम प्लस करते हैं, ठीक है। ये मैं जो है बाद में कैलकुलेट करूंगा आपके लिए। टोटल एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स का मजमुआ है, इन दोनों को जो अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल एसेट्स बनते हैं। सो तकरीबन हाफ ऑफ द फाइनेंसिंग इज कमिंग फ्रॉम द डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। 0.47 या 47% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस बाय डेट, इसका मतलब यही है। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री एवरेज के साथ इसका क्या तनासुब है। तो तकरीबन ऑन एवरेज बोथ आर सेम, अगर आप देखें तो ऑन एवरेज बोथ द इंडस्ट्री एवरेज इंडस्ट्री रेशो ऑफ डेट टू टोटल एसेट्स एंड बी डब्ल्यू रेशो बोथ आर सेम राउंड अबाउट, तो ये तकरीबन सेम है और ये दिस इज गुड फॉर द बी डब्ल्यू कंपनी दैट इट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एवरेजेस। फिर हम लास्ट जो फाइनेंशियल लीवरेज रेशो है वो है टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। अच्छा, डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, तो डेट बेसिकली टोटल डेट है, वही जो करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वही है, और टोटल कैपिटलाइजेशन कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। अगर आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को इक्विटी के साथ प्लस करें सो दिस इज बेसिकली टोटल कैपिटलाइजेशन। सो व्हाट इट बेसिकली शोज, इट शोज द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म, मतलब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, टोटल कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, क्योंकि इसमें हम लॉन्ग टर्म डेट को भी लेते हैं और प्लस इक्विटी को भी लेते हैं। तो टोटल डेट जो है या टोटल लाइबिलिटी जो है जिसमें करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी शामिल है, उसका टोटल कैपिटलाइजेशन के साथ क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली 62%, मतलब आपका जो टोटल डेट है वो टोटल कैपिटलाइजेशन के 62% है, ठीक है।
अगर टोटल कैपिटलाइजेशन 100% है तो 62% जो है उसमें क्या है, 62% इज बेसिकली योर टोटल डेट, दैट इज ऑफ योर टोटल कैपिटलाइजेशन। अगर आप इंडस्ट्री एवरेज के साथ देखें तो तकरीबन ऑन एवरेज बोथ आर सेम एंड आर इन अलाइनमेंट विद ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो है विच इज़ बेसिकली एन इनकम स्टेटमेंट रेशो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे सीधा जो है लास्ट में, अगर आप देखें तो ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हम उठाएंगे ये बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी साइड है और इसके ऊपर जो है सॉरी दिस वन, दिस इज एसेट साइड, और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये लाइबिलिटी साइड। इन दोनों को हम कॉपी करेंगे, बल्कि मैंने पहले से कॉपी किया है एक्सेल शीट में, आप देखेंगे, और मैंने इस साइड पे यहाँ फाइनेंशियल लिवरेज रेशोज भी लिखे हैं, 1:1 डिट टू इक्विटी, डिट टू टोटल एसेट्स, और लास्ट वन टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर मैं इसे करूँगा। अच्छा, अगर आप देखें तो ये 2001, 2002, 2003, आप एक साल के लिए भी रेशो निकाल सकते हैं और 3 साल के लिए अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कंपेरेटिव रेशो भी निकाल सकते हैं आप, फिर आप बाद में आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं जिस तरह स्लाइड्स में अवेलेबल था। अच्छा, यहाँ पे हम दो चीज़ें हमें दरकार है, टोटल डेट और टोटल इक्विटी। टोटल डेट जो है हम यहाँ से लेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे कि 2000 ईयर्स को हम लिख देंगे, सबसे पहले 2001, फिर 2002, देन 2003। यहाँ पे जो है टोटल करंट लाइबिलिटी प्लस, मतलब टोटल डेट जो है दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपके साथ जो है वो 2001 में 399 है, और लॉन्ग टर्म डेट जो है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो 150 है। इन दोनों को आपने प्लस करना है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल डेट। अच्छा, फिर हम आते हैं एक एक को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल करंट लाइबिलिटी 399 है और लॉन्ग टर्म डेट जो है 150 है, तो आपने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे तो इज इक्वल टू थ्री नाइन्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी। अच्छा, फिर हम आते हैं यहाँ पे 2001 का हो गया 505 प्लस 453, अच्छा इज इक्वल टू, पहले आपने लगाना है इज इक्वल टू 505 प्लस 453
453 ये भी आ गया। नेक्स्ट जो है 2003 का है, दैट इज 500 प्लस 530, सो इज इक्वल टू 500 प्लस 530 ये आ गया। टोटल डेट जो है 2001, 2 और 3 के लिए। फिर टोटल इक्विटी जो है यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इक्विटी, तो ये हम कहाँ से लेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से। टोटल इक्विटी ये है 674, 1086, 1139। सो यहाँ पे सिंपली लिखे 674 डॉलर्स, फिर जो है 1086, 1086, और यहाँ पे जो है 1139, ठीक है। अच्छा, ये आपने तकरीबन जो है कंप्लीट किए हैं, सो फिर हम आते हैं यहाँ पर, इसको पहले डॉलर फॉर्म में जो है चेंज कर लेते हैं। तो डॉलर फॉर्म में यहाँ पे आप आ जाए और डॉलर को क्लिक करें, तो ये सारे डॉलर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो। इसके लिए जो है क्या करना चाहिए आपको, इज इक्वल टू, दिस इज टोटल डेट एंड डिवाइड का बटन आपने दबाना है, फिर टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अगर आप जो है परसेंटेज में मालूम करना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर अभी जो है आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो बाद में भी आप परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसी तरह कर लेते हैं, ये तकरीबन 81% है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ड्रैग डाउन करें तो ये जो है 2001 में जो आपकी डेट टू इक्विटी रेशो है दैट इज 81%, 2002 में 88% है, और 2003 में जो है 90% है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे परसेंटेज का बटन प्रेस करें, ठीक है। ये जो है आ गया डेट टू इक्विटी रेशो फॉर 3 ईयर्स, नॉट ओनली फॉर 1 ईयर्स बट आपने 3 ईयर्स के लिए मालूम किया। नेक्स्ट हम जाएंगे डेट टू टोटल एसेट्स रेशो। डेट जो है वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है 3 ईयर्स का, यहाँ पे हमने, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो है तो टोटल एसेट्स है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है। टोटल एसेट्स 2001 में 1223 है, फिर 2002 में 2046 है, और 2003 में 2169 है। तो यहाँ पे आप लिखे कि टोटल एसेट्स, और फिर हम इस तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 1223, फिर जो है 2044 है, नेक्स्ट जो है 2169, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे लिखे टोटल, डेट टू टोटल टू टोटल एसेट्स रेशो, यानी टोटल एसेट्स में से डेट फाइनेंसिंग कितनी है,
या आपने जो टोटल एसेट्स खरीदे हैं उसमें आपने डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए कितने एसेट्स खरीदे हैं, ये मालूम करने के लिए रेशो जो है कारामद है। यहाँ पे इज इक्वल टू दिस टोटल डेट डिवाइडेड बाय, डिवाइड का बटन दबाए, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स प्रेस करें, तो ये चूंकि यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है तो डॉलर का साइन नहीं आना चाहिए, तो ये हम जो है यहाँ से डॉलर का साइन जो है वो हटा देंगे। नंबर्स मैंने कर दिए, ठीक है, और नंबर्स के बाद डबल क्लिक करें, 47%, 45%, 2001, मतलब 45% जो है 2001 में इन्होंने डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए टोटल एसेट्स को फाइनेंस किया था। टोटल एसेट्स में से 47% 2002 में जो है डेट फाइनेंसिंग है, और 2003 में भी 47%। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो। तो टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी को हम टोटल कैपिटलाइजेशन कहते हैं, और टोटल डेट तो हमारे साथ ऑलरेडी है तो उसको हम जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, कंट्रोल वी कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। फिर कैपिटलाइजेशन जो है दैट इज लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म डेट और यहाँ पे लॉन्ग टर्म इक्विटी, इक्विटी तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म होती है तो इक्विटी, ठीक है। अच्छा, डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, इन दोनों को आपने फिर बाद में प्लस करना है। सो डेट इज़ बेसिकली 150, 453 और 530। तो 2001 में जो है 150 है लॉन्ग टर्म डेट, 150 फिर 453 और नेक्स्ट जो है 530, फिर यहाँ पे इक्विटी साइड पे हम आते हैं, इक्विटी जो है 674 है, 674 फिर 1086 और नेक्स्ट जो है 1139। इन दोनों को अगेन हमने जो है प्लस करना है, ठीक है, डॉलर का साइन आप लगा सकते हैं, और इन दोनों को यहाँ पे टोटल कैपिटलाइजेशन इससे हमने टोटल कैपिटलाइजेशन मालूम करनी है, इन दोनों को प्लस करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाए और सम जो है का फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सम टेप दिस एंड दिस, तो ये आपने सम किया, ठीक है, टोटल जो है 824, इससे ये भी सम करें। इसके बाद जो है आप मालूम कर सकते हैं अभी टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, किस तरह जो इसी वाला पोर्शन है इसको आप जो है डिवाइड करें, ठीक है, इस पोर्शन को टोटल कैपिटलाइजेशन पे आपने
डिवाइड करना है, इस पे इसको डिवाइड करें, यहाँ पे टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो आ जाएगी. सो इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, इससे आ जाता है, ये हम नंबर्स में चेंज कर लेंगे तो नंबर्स में हो गया. और फिर ये 67, 62, 62 एंड 67% यहाँ पे हम इसको परसेंट में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कि कितना परसेंट आ रहा है, ये भी हम परसेंट में चेंज कर लेंगे, ये रह गया था मेरे ख्याल से. अच्छा, तो ये जो है इस तरह रेशो हम निकाल लेते हैं कि ये फाइनेंशियल लीवरेज जो थ्री टाइप से वो रेशो से. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी लेटर ऑन. ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़.